सभी को जी राम राम, सनातन धर्म की जय और सभी को जय गुरु जी। आज मैंने आपको कुछ देर पहले एक छोटे से वीडियो के माध्यम से सभी से कहा था कि आप आज गुरु जी का जन्मदिन होता है, क्योंकि आज 7 जुलाई है और 7 जुलाई को गुरु जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं और आप लोग इस वीडियो पर गुरु जी के जन्मदिन पर मुबारकबाद दे सकते हैं। और देखिए, गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन एक जानीपुर के घर पर गुरु जी का आशीर्वाद इनको मिला है। इनके घर पर शहद वर्षा और चीनी की वर्षा हो रही है। अब वो कहाँ पर वर्षा हुई है मैं आपको वही दिखाने के लिए इस घर में लाया हूँ। ये पूरे परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये सभी परिवार के लोग इस समय बहुत खुश हैं कि इनके घर पर गुरु जी ने आज जन्मदिन वाले दिन दर्शन दिए हैं। पहले मैं आपको इनका मंदिर दिखा देता हूँ। ये जो आप इनका मंदिर देख रहे हैं, ये इनके मंदिर में इन्होंने गुरु जी का स्वरूप लगाया हुआ है। पहले इनके घर पर ये छोटे स्वरूप में गुरु जी ने जो है शहद की वर्षा की, आप देख सकते हैं ये छोटे से स्वरूप हैं और यहाँ पर ये शहद आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये शहद की वर्षा हुई है। उसके बाद गुरु जी का जो ये बड़ा स्वरूप है, इसमें आप देखेंगे गुरु जी ने यहाँ पर चीनी की वर्षा की है। तो आप देखेंगे ये चीनी के जो दाने हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये इस घर में वैसे भी कालीवीर जी का, राजा मंडलीक जी का स्थान भी है और इनके घर पर ये आप देख सकते हैं गुरु जी ने शहद वर्षा भी की है। ये आपके सामने आप देखेंगे शहद वर्षा है और दूसरा आप देखेंगे इनके घर पर चीनी की वर्षा भी हुई है। तो ये इस परिवार के पास मैं आया हूँ इस समय बात करने के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इनका घर जो है जानीपुर कॉलोनी में है, जो कि आप गीता मंदिर के पास किसी को भी पूछेंगे पता चल जाएगा और यहाँ पर आकर आप दर्शन भी कर सकते हैं। जो भैया यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मैं बात करने से पहले इनके घर की छोटी बच्ची से बात करूँगा जिन्होंने सबसे पहले दर्शन किए। तो ये वो गुड़िया है, क्या नाम है बिटिया आपका? राधिका वैद्य। राधिका, तो राधिका आप मुझे बताएंगे कब आपने, आपको पता चला कि गुरु जी की स्वरूप में से, तस्वीर में से शहद निकल रहा है, चीनी निकली, बताएंगे आप? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सबको गुरु जी ब्लेसिंग दें। मैंने ना गुरु जी के संरूप में ना, जब मैं साफ कर रही थी तब मुझे दिखा था कि उनकी आइज से ना वो निकल रहा था शहद। शहद निकल रहा था। हाँ, फिर मैंने नानी को बताया, फिर हमने वहाँ प्लेट रखी। अच्छा। तो प्लेट में भी शहद आ गया था। अच्छा। फिर हमने बड़ी फोटो लाई, फिर उनके अंदर से उनको साफ किया, फिर उसकी आइज से भी निकल रहा था शहद। अच्छा। फिर हमने नीचे प्लेट रखी, वहाँ शहद और चीनी की वर्षा हो रही थी। अच्छा। हाँ। तो फिर जब आपने सबको बताया, सबने आपकी बात मानी, देखा आके? हाँ, सबने मानी। पहले नानी नहीं मान रही थी। अच्छा। नानी कह रही थी तो झूठ बोल रही है। तो फिर मैंने दिखाया, फिर नानी सारे खुश हो गए, फिर सारे वीडियो बना रहे थे, फिर हमने सत्संग रखवाया शाम को। अच्छा, आज शाम को सत्संग भी है? बहुत अच्छा। आपको पता आज गुरु जी का बर्थडे भी होता है। हाँ। तो आप गुरु जी को बर्थडे विश कर देंगे? हाँ। कर दो गुरु जी, हैप्पी बर्थडे। तो आपकी नानी जी कहाँ है, कौन से हैं आपकी नानी जी? आप इधर बैठो। आपके नानी जी कहाँ पर है? ये पीछे बैठे हैं। चलो पहले नानी जी से ही बात करते। तो नानी जी, आपने नहीं माना जब बिटिया ने बताया आपको कि ऐसा कुछ हो रहा है? मैंने बोला सुबह तो मैंने स्वरूप सारे साफ सूफ किए थे, तो मेरे को तो लगा नहीं है, आप बोल रहे हो तो मैंने देख लेती हूँ। तो फिर मैंने देखा तो शिवजी भोलेनाथ की फ़ोटो को भी देखा मैंने, तो वो ठीक थी। तो वो जब गुरुजी के स्वरूप को देखा तो वो तो शायद के ऐसे ऐसे मेरे हाथ में लगा, शायद लगा हुआ था। मैंने बोला ये तो सच है। फिर मैं बोला जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैंने बोला चलो बड़ा स्वरूप अंदर पड़ा है, वो लाते हैं बाहर, वो देखते हैं, इधर लगा के वो देखते हैं, उसमें गुरु जी आते हैं। उस 2 मिनट के बाद गुरु जी ने तब फिर जल्दी जल्दी दर्शन दे दिए हमको। बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को, बहुत ही अच्छा। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश, क्या बताऊं, शुक्राना गुरु जी। कितना अपने आप ही कितना किस्मत वाला मानते हो कि तुम्हारे घर गुरु जी ने आज आशीर्वाद दिता है। हाँ जी, बहुत खुश हूँ आज गुरु जी के, आज हैप्पी बर्थडे है गुरु जी का, उन्होंने मेरे को दर्शन दिए, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लगा। इतनी दुनिया आई देखने, गुरु जी ने खुद बुलाया सभी को, वो सभी आए देखने, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कितने खुश हैं ये सभी परिवार के लोग और ये छोटी बिटिया है जिसने सबसे पहले दर्शन किए और उसके बाद इसने सबको बताया। तो आज सारा परिवार यहाँ पर इकट्ठा है। मैं एक बार फिर से आपको दर्शन करवाता हूँ गुरु जी के। तो आप देखेंगे
कि गुरुजी इनके घर पर जो दर्शन दिए हैं वो आज जन्मदिन के दिन गुरुजी के पहले छोटे स्वरूप से ये शहद की वर्षा हुई। ये आप देखेंगे छोटा स्वरूप जिसमें साथ में गुरु नानक जी, साथ में भगवान शंकर जी हैं, और ये आप देखें ये छोटे स्वरूप से देख सकते हैं आप शहद की वर्षा हुई है। फिर आप ये देखेंगे कि जो बड़े स्वरूप हैं उस स्वरूप से जो है चीनी की वर्षा हुई है। तो ये इनके घर पर बड़ा आशीर्वाद है गुरुजी ने जो दिया है। मैं इनके घर से कुछ और सदस्यों से भी बात करूंगा। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल। राहुल जी, राहुल जी बताएंगे जब बिटिया ने, छोटी बिटिया ने देखा, फिर सबको बताया, फिर आप लोग यहाँ पर आए, कितना मानते हैं आप गुरुजी को? मैं गुरुजी को बहुत मानता हूँ। हमारे घर में स्थान है देवी देवताओं का, बाबा कालीवीर का स्थान है, तो हम गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो गुरुजी ने आज अपना चमत्कार दिखाया, हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से। अच्छा, गुरुजी तो ने दर्शन, बाकी लोग भी आ रहे हैं दर्शनों के? हाँ हाँ, बहुत सारे लोग आए हैं, उन्होंने दर्शन भी किए हैं। तो और भी मैं चाहता हूँ जिन्होंने दर्शन करने हैं गुरुजी के, मोस्ट वेलकम, सभी आ सकते हैं यहाँ पे दर्शन करने। गुरुजी थोड़ा सा राहुल जी एड्रेस बता देंगे जो संगत देख रही है और वो चाहते हैं कि आपके यहाँ पर आके दर्शन करें? हाँ, जानीपुर कॉलोनी है ये, लास्ट मेटाडोर स्टैंड, गीता मांदा मंदिर के पास ही है। किसी को पूछ सकते हैं आपकी राहुल का घर कौन सा है, राहुल सेठी। तो आप राहुल सेठी जी के घर आ सकते हैं और आकर यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि काफी सारे जो इनके मोहल्ले के भी लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो यहाँ पर दर्शनों के लिए आ रहे हैं। तो मैं और भी लोगों से आपकी बात करवाऊंगा जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दीदी आप बताएंगे कब से आप मानते हैं गुरु जी को और क्या आप अपनी तरफ से बात करेंगे? मुझे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे मैक्सिमम, पहले तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस गुरु जी के बर्थडे के लिए, मैं तो सबको यही बोलूंगी मैक्सिमम मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो गया गुरु जी के लिए, पर मैंने पहले सुना था, आज तो मैंने लाइव देख लिया। पहले मैंने हनी देखा उनकी आई से आते हुए, फिर मैंने चीनी भी देखी, तो जैसे हम 2 मिनट के लिए बाहर आए वैसे ही चीनी देखी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ठीक है आंटी जी, तुस भी सुनाओ कितने खुश हो और तुस भी इधर इंदे परिवार दे गए हो या कितों आए? ये सामने रहते हैं। सुनाओ, चलो तुस सुनाओ। आपको कैसा लग रहा है गुरुजी के दर्शन करके? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने भी हमेशा सुना ही था और आज पहली बार देखा है और मुझे बहुत खुशी हुई है। आप कब से मानते हैं गुरुजी को? हमारे आनंदपुर वाले गुरु महाराज जी है और मैं भी मतलब इनको जब से देखा मुझे भी अच्छा लगा, देख के अच्छे हैं, मतलब शायद देखा, चीनी देखी और इन्होंने कड़ा प्रसाद बनाया, उसके ऊपर भी ओम बना हुआ था, अच्छा लगा देख के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी तुस बोल गए कुछ के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे गुरु जी। इधर आई हैं तो देखा मैंने इधर शहद निकल रहा है, खंड की वर्षा हो रही है। फिर मैं बाबा की आई देखने के लिए आई मैं, ये मेरी बेटी का ससुराल है, उसे बाबा की आई मैं देखने आई, मैं देखूँ से गुरु जी दर्शन करके आऊँ मैं, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के देख के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुहानी शर्मा है। सुहानी बताइए कितने खुश हैं आप गुरु जी के यहाँ पर दर्शन? काफी खुश हैं, मतलब पहली बार तो लाइव देखा, ऐसे सुना था कि किसी किसी घर पे होता है, मतलब अपने घर के सामने ही देखा हमने कि सब कुछ लाइव चल रहा है, लाइव ही शहद आ रहा है, फिर उसके 2 मिनट बाद चीनी, फिर अंदर भी गिलास के ऊपर भी, फिर हलवा बनाया उसके ऊपर भी ओम बना अपने आप, मतलब काफी अच्छा लग रहा है। आप यंग जनरेशन को क्या कहेंगे कि भगवान को मानना चाहिए, क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन जो है कई लोग भगवान को नहीं मानते है ना? नहीं, मानना चाहिए, वैसे मेरा यही कहना है, मतलब मानना चाहिए, सच चाहिए सब। थैंक यू सो मच। तो और भी यहाँ पर कई सारे संगत आई है। मैम आपका क्या नाम है और क्या कहेंगे आप, पहले आप ऐसे दर्शन कर चुके हैं या फर्स्ट टाइम आपने दर्शन किया? जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम दर्शन किए, सिर्फ सुना ही था इनके बारे में कि आज हकीकत में देख भी लिया मैंने। तो मेरी बेटी ने सुबह कॉल की थी मुझे, कहा माँ मैंने ना ऐसे देखा, तो मैंने इस बात पे इग्नोर कर दिया, तो फिर मुझे बाद में मम्मा की कॉल आई, कहते ऐसे ऐसे हुआ, तो फिर रहा नहीं गया, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम भी दर्शन कराते हैं। तो वैसे यही होता है कि भगवान को मानना चाहिए।
बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कि ये सभी जितने भी श्रद्धालु हैं जिनसे अभी हम बात कर रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर आए हैं गुरुजी के दर्शनों के लिए, क्योंकि आज गुरुजी का जन्मदिन भी है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो के माध्यम से गुरुजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी, आप लोग भी दे सकते हैं। भैया आपका क्या नाम है? भैया आशीष भैया, मेरा नाम विशाल है। विशाल जी, आज दर्शन किया आपने, पहले दर्शन कर चुके हैं ऐसे कभी या फर्स्ट टाइम, या सुना ही था आज पहली बार ऐसा हुआ? आशीष भैया मैंने ना फर्स्ट टाइम ही सुना, पहले ये चीज़ मैं मानता ही नहीं था, तो ताकि कोई मुझे कहता था मुझे विश्वास नहीं होता था ताकि ऐसा भी कुछ होता है, तो मैंने सुन के अनदेखा कर देता था। आज फर्स्ट टाइम मेरे घर में हुए, आज मुझे विश्वास हुआ है ताकि ये सही बात है, शुक्राना गुरु जी की सही बात है। आज मुझे आशीष पे सही विश्वास, दिल से विश्वास जो हुआ वो मुझे आज हुआ है। बिल्कुल। भैया आपका क्या नाम है? मेरा काका है, ऐसे काका बोलते हैं, सही नाम नरेंद्र कुमार है। नरेंद्र जी, आपने भी दर्शन किए? हाँ, कैसे दर्शन हुए? आप कब से गुरुजी को मानते हैं? मानता तो चलो पहले नहीं था मानता, पर अभी जैसे मेरी बेटी आई हुई ना इधर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि पापा ऐसे ऐसे बात है, तो फोटो में मतलब ऐसे शहद और खंड वगैरह आ रही है, तो मैं वीडियो भेजी मेरे को, मैंने वीडियो देखी है तो मुझे अच्छा लगा, फिर मैं उसी टाइम आ गया। मैं चलो जस्ट मेरे घर जोड़िए में है, तो जोड़िए से जस्ट मैं अभी पहुँचा हूँ, वो देखा है, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, वो ठीक है, बढ़िया है, मन करनी चाहिए। मतलब सभी देवी देवते होते हैं, यही नहीं कि नहीं होते, होते सब होते हैं, पर उनको मानो। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। भैया का बड़ा अच्छा मैसेज है ये, और मैं अपनी यंग जनरेशन से कहूँगा, आज हमारी यंग जनरेशन नेटफ्लिक्स और बाकी वेब सीरीज के चक्करों में पड़ी हुई है, मैं उन्हें ये मैसेज दूंगा कि जैसे हमारी एक बिटिया जो कुछ ग्रेजुएशन भी कर रही है, उसने भी ये बात कही कि आप लोग भगवान में विश्वास रखें। और मैं जानता हूँ जब भी मैं ऐसी वीडियोस करता हूँ, कई लोगों को पता नहीं कुछ परेशानी होती है, पेट में दर्द होती है, वो कुछ अनाप शनाप कमेंट लिखते भी हैं, पता नहीं नास्तिक हैं, उनको धर्म में विश्वास नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम सनातनी हैं, हमारे धर्म के ऊपर बिना मतलब के टिप्पणियाँ मत करें, क्योंकि हम किसी के धर्म पर टिप्पणियाँ नहीं करते हैं, और हमारे धर्म में सभ्यता सिखाई जाती है, और यही सभ्यता है, यही हमारी सनातनियों की। और आप देखेंगे जिनके घर पे मैं आया हूँ, आप भी दर्शन करना चाहें तो राहुल जी ने आपको एड्रेस दे दिया, जानीपुर कॉलोनी गीता मंदिर के पास, आप किसी को भी पूछ लेना राहुल जी के घर जाना है, तो वहाँ पर आप आके आज जन्मदिन वाले दिन शुक्राना गुरु जी के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। शाम को कितने बजे सत्संग है? शाम को जी सत्संग भी है, आप सत्संग के लिए आ सकते हैं, और 5 बजे इन्होंने वैसे सत्संग का समय रखा हुआ है, आप आकर माथा टेक सकते हैं यहाँ पर। सभी को राम